हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का। प्रीवियस लेक्चर में उसकी इंट्रोडक्शन दी गई है, तो आप वो ज़रूर देखना। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द क्वेश्चन इज, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ। ये दो आपको फर्दर क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये एल्गोरिदम पता होना चाहिए कि ये एल्गोरिदम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्या हैं, जैसे फर्स्टली आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 11 को डिवाइड किया गया है 5 से। ओके, तो 11 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा कि 11 जो है वो डिविडेंड है। मीन्स ये जो ए है वो इस डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो बी दिया गया है इसमें वो इस डिवीज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू जो है वो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये इतनी चीज़ याद रखनी है। दिस इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जहाँ पर ये जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और रिमाइंडर जो है वो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए हमारे डिवीज़र से। ओके, इस एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो इसी मेथड से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, 135 एंड 225 का HCF फाइंड करना है हमने। इसमें 225 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है 135 से। ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो जो वैल्यू हमारी बड़ी है, जैसे कि 225 वैल्यू जो है हमारी बड़ी है, उसको हम डिविडेंड की जगह पर रखेंगे, मीन्स यहाँ पर, और जो वैल्यू छोटी है उसको हम डिवाइज़र की जगह पर रखेंगे। तो अब इसको नॉर्मली जैसे डिवाइड किया जाता है वैसे डिवाइड करेंगे। 135 वन ज़ा 135 को अगर हम 2 से करते हैं तो 270 वैल्यू आ जाएगी, जो कि इससे बड़ी है, मीन्स हमें 1 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 135 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 12 में से 3 गए, यहाँ पे 9। और अब ये जो रिमाइंडर हमारा 90 आया था, ये 90 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे ये 135, मतलब यहाँ पर ये जो 135 है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ पर भी 1 से ही जाएगा 5 4, और सेम नेक्स्ट स्टेप भी सेम ही, कि ये रिमाइंडर था और ये हमारा क्या बन गया, डिवाइज़र बन जाएगा। यहाँ पर डिविडेंड क्या बनेगा, ये वाला 90 बनेगा। इसको हमें फर्दर कंटिन्यू तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। 45 टू ज़ा क्या होता है, 90, और इसका HCF अब हमें क्या मिला, ये 45। ओके, तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि फर्स्टली आपका डिविजन क्या था, सॉरी डिविडेंड क्या था, 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 अकॉर्डिंग टू दैट मेथड, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस जो आपका रिमाइंडर आया था 90। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इसलिए हम आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिविडेंड क्या था, 90, डिविडेंड क्या है, 135, दिस इज 135, ये 135 है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, मीन्स 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था 45। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसलिए हम एक और स्टेप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है, 90 विच इज़ इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर हमारा क्या आया, 0।
तो यहाँ पर जो है हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो है, तो इसलिए एच सी एफ हमारा क्या होगा 45. सो एच सी एफ इज इक्वल्स टू 45. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 867 एंड 255, इन दोनों का एच सी एम फाइंड करना है हमने, जहाँ पर 867 जो है वो ग्रेटर है 255 से. सो फाइंड द एच सी एफ ऑफ 255 एंड 867 बाई यूजिंग इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. तो हमें पता है जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हम रखते हैं डिविडेंड की जगह पे, मतलब 867 यहाँ पर रहेगा और 255 डिवाइजर की जगह पे, राइट. तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से कम हो जाएगी वैल्यू. 3 के साथ ट्राई करते हैं, 255 इंटू 3 765. 3 से जब हम करेंगे तो 765 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब ये जो रिमाइंडर था ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो रिमाइंडर आया है ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और नेक्स्ट के लिए हमारा डिविडेंड क्या बनेगा, ये 255. 102 को अगर 2 से करते हैं तो 204. फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या था, 867, ठीक है. अब ये वैल्यू कैसे आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इस रिमाइंडर को ऐड करके, मीन्स 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102. तो यहाँ पर भी हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसलिए हमने आगे फर्दर स्टेप लिया. जहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या था, 255, जो कि किसके इक्वल होगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस उसका रिमाइंडर ऐड करेंगे, तो 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51. इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे ना तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, ओके. तो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसलिए हम आगे स्टेप ले रहे हैं एक. तो यहाँ पर 51 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और डिविडेंड क्या बनेगा, 102. 51 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 के टेबल में 2 पे क्या आ जाता है, 102. तो फाइनली हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है. यहाँ पर डिविडेंड क्या था थर्ड स्टेप में, 102 इक्वल्स टू, वो कैसे आया, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0. यहाँ पर रिमाइंडर 0 है. तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो एच सी एफ क्या होता है, जो लास्ट स्टेप पे हमारा डिवाइजर होता है, ओके. सो एच सी एफ इक्वल्स टू 51. दैट इज़ योर आंसर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स, बाय बाय.